गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन टूडेज क्लास वी विल स्टडी द न्यू वर्स एंड पेज नंबर 124 ऑफ लेसन 15. द लेसन इज आई एम द म्यूजिक मैन. बिफोर स्टार्टिंग द पेज नंबर 124, वी विल सी द न्यू वर्स ऑफ दिस लेसन. द न्यू वर्स ऑफ दिस लेसन आर, फर्स्ट न्यू वर्ड इज म्यूजिक मैन, दैट मीन्स संगीतकार. उसके बाद है फार अवे का मतलब होता है बहुत दूर. फिर है प्ले, प्ले का मतलब होता है बजाना या फिर वादन करना. उसके बाद है पियानो, पियानो का मतलब होता है पियानो. फिर है ड्रम, ड्रम का मतलब होता है ढोल बजाना. फिर है बूम, बूम का मतलब होता है गूंज या फिर गर्जन. फिर इसमें पेज नंबर 124 में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका, पहला टॉपिक आता है रीडिंग इज फन का. तो इसमें दो क्वेश्चन आंसर है. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट्स दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले. कौन से दो इंस्ट्रूमेंट्स जो है म्यूजिक मैन बजा सकता था. तो इसका आंसर है पियानो एंड ड्रम आर द टू इंस्ट्रूमेंट्स दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले. फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम. म्यूजिक मैन कहाँ से आ रहा था, मतलब कहाँ से बिलोंग करता था. तो इसका आंसर है द म्यूजिक मैन कम्स फ्रॉम फार अवे. म्यूजिक मैन जो है बहुत दूर से आया था. ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक है इस पेज नंबर पे, टॉपिक है लेट्स टॉक. इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ़ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू, व्हाट वुड यू आस्क हिम टू प्ले फॉर यू. अगर म्यूजिक मैन आपके पास आता है तो आप उससे क्या बोलेंगे बजाने के लिए अपने लिए. ठीक है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू आई वुड आस्क हिम टू प्ले द गिटार. अगर म्यूजिक मैन हमारे पास आता है तो मैं उसे गिटार बजाने के लिए कहूँगा. यहाँ पे गिटार में आपका यहाँ फुल स्टॉप छूट गया है. ठीक है, आप यहाँ फुल स्टॉप डाल देंगे. और इफ़ द म्यूजिक मैन कम्स टू मी आई वुड आस्क हिम टू प्ले द गिटार. यहाँ पे यू की जगह मी लिख देंगे आप. गलती से यहाँ पे यू लिखा गया है, यू को मी कर देंगे. इसका आंसर एक बार फिर से आप सुन लेंगे, इफ़ द म्यूजिक मैन कम्स टू मी आई वुड आस्क हिम टू प्ले द गिटार. अगर म्यूजिक मैन मेरे पास आता है तो मैं उसे गिटार बजाने के लिए कहूँगा. ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, म्यूजिक, डांस और कराटे. आप क्या सीखना पसंद करेंगे, म्यूजिक, डांस या फिर कराटे. तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, आई वुड लाइक टू लर्न कराटे सो दैट आई कैन फाइट विद एनीवन विद व्हेन आई एम इन डेंजर. तो यहाँ पे जो है इसका आंसर मैंने लिखा कि हाँ, मैं कराटे सीखना पसंद करूँगा. तो कराटे, भाई कराटे क्यों हम लोग सीखना पसंद करेंगे, क्योंकि यह हमें सेल्फ डिफेंस सिखाता है, यानी कि अपने लिए लड़ना सिखाता है. अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हम अपने इस स्किल का, इस कौशल का यूज़ करके अपनी रक्षा, सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं. इसलिए जो है हम कराटे सीखना पसंद करेंगे. ठीक है, बिकॉज सो दैट आई कैन फाइट विथ एनी वन वेन आई एम इन डेंजर. और जब हम खतरे में रहेंगे तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं अपने लिए. ठीक है, चलिए इस तरह से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है पेज नंबर 124 का. एक बार फिर से हम पेज नंबर 124 पे आते हैं. तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, लेट्स टॉक तक तो हमने कंप्लीट कर लिया. फिर है से अलॉट. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको कि आपको लाउडली पढ़ना है. तो पहला है पियानो, पिन, पेल, वैन, रैली, वोट, विंड, वेट, वाइल्ड. ठीक है, सिंग दिस सॉन्ग अलॉट टुगेदर, मेक अप ए ट्यून. यहाँ पे एक ट्यून बनाना है, एक धुन बनाना है और आपको ये सॉन्ग लाउडली गाना है एक साथ सारे बच्चों को मिलके. हाय हो फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो, जस्ट कीप ऑन सिंगिंग ऑल डे लॉन्ग, हाय हो हाय हो हाय हो. ठीक है, इस तरह से ये छोटा सा एक सॉन्ग दिया हुआ था यहाँ पे, वो भी हमने आपको बता दिया. पेज नंबर 124 आपका कंप्लीट हो जाता है आज. नेक्स्ट पेज नंबर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे. और होमवर्क में आप लोग जो है ये न्यू वर्ड्स लिख लेंगे अपनी कॉपी में, रीडिंग इज़ वन का क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और उसके बाद लेट्स टॉक का भी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और अपनी कॉपी में, इंग्लिश की कॉपी में अच्छे से बनाकर रख लेंगे, याद भी करेंगे. ठीक है, और आगे की पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.